कि स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस, स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस, तो तुम्हारे मन में कुछ पिक्चर बननी चाहिए और वो पिक्चर कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि वहां पे कुछ कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स का क्या नाम दिया हमने, वैल्यू फील्ड्स का, जैसे नेम क्या दिया है हमने, डेटा टाइप क्या लिया है उनका, उन पे हमने कंस्ट्रेंट क्या लगा रखा है डेटा पे, इस टाइप की चीजें होंगी स्कीमा में, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि सीएस थर्ड ईयर के बच्चों का एक डेटाबेस बनाना है तो उसकी हमें स्कीमा कुछ बना के तुम लोग रिप्रेजेंट करो, तो तुम कैसे स्कीमा बनाओगे उसकी, उसकी स्कीमा में मान लो जैसे सपोज करो हम ऐसा रखते हैं कि तुम रखोगे उसमें रोल नंबर हर स्टूडेंट का, नेम, उसके बाद रखोगे तुम उसकी ब्रांच, और उसके बाद रखोगे तुम उसका जेंडर। चलो सपोज करो तुम इतनी चीजें रखते हो किसी स्टूडेंट डेटाबेस में, तो ये चीजें यहां पे जैसे रोल नंबर का टाइप, अब ये तो ये एक डायग्राम, स्कीमा डायग्राम याद है ना सबको, एक स्कीमा डायग्राम हो सकता है इसका, इसमें और भी स्कीमा में, लेकिन केवल इतनी ही चीजें नहीं हुई, हमने बताया था कि हर चीज को स्कीमा डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वहां भी ये होगा, ये जो रोल नंबर है कोई नंबर है जो 4 डिजिट का होगा, ये नेम है कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो 20 डिजिट की होगी, 20 कैरेक्टर्स की होगी, ब्रांच है वो मान लो 2 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, जेंडर है वो 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग है मेल और फीमेल, ये सारी चीजें स्कीमा में होती है। ये सारी चीजें बताने का मतलब है हम डेटाबेस का स्कीमा बना रहे हैं, ये बना हुआ है मतलब कि स्कीमा बना हुआ, तो जैसे तुमने बना लिया ये एक बार, तो अब ये एक्सपेक्टेशन है कि ये रोज रोज स्कीमा इज एक्सपेक्टेड नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, स्कीमा इज एक्सपेक्टेड टू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, स्कीमा एक बार बन गया वो या तो चेंज ना हो या तो रोज रोज नहीं बदलेगा, जैसे आज तुमने ये बनाया डेटाबेस कल कुछ और बना दिए, तो इससे बड़ा ओवरहेड बढ़ेगा और मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, तो स्कीमा जल्दी जल्दी नहीं बदलेगा, बट डेटा बहुत जल्दी बदल सकता, डेटा बहुत जल्दी बदल सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो रोल नंबर है 4 डिजिट का, तो जैसे हमने रखा मान लो 001, ये हमने नाम रखा अभिषेक, मान लो हमने नाम रखा अभी, इसकी ब्रांच है सीएस, इसका जेंडर है मेल, ये रोल नंबर एक बच्चे का हमने रखा 002, इसका नाम है मान लो आकांक्षा, इसकी ब्रांच भी है सीएस, इसका जेंडर है फीमेल, इसी तरीके से हमने रोल नंबर रखा 003, सपोज करो नाम है इसका विकास, और इसकी भी ब्रांच है सीएस, इसका जेंडर है मेल। ये डेटाबेस में हम जैसे स्कीमा बनाने का मतलब ये था कि केवल हमने इनके टाइप रखे हैं, ये वैल्यूज नहीं रखी है, जब हम ये वैल्यूज फिल करने लगते हैं तो हम डेटाबेस में एक्चुअल डेटा रखना चालू कर देते हैं, और इस टाइम पे डेटाबेस की जो सिचुएशन है, इस टाइम पे हमारे डेटाबेस में 1 टेबल है, 1 टेबल है जो इस स्कीमा में, और इसमें 3 लोगों का डेटा रखा हुआ है, 3 कैंडिडेट्स का डेटा रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, डेटाबेस स्टेट, कल हमने हेडिंग डलवाया था ना उसी में पढ़ा रहा हूँ, डेटाबेस इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइम पे अगर हम मान लो रुक जाए और बोले कि डेटाबेस में जो रखा है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस स्टेट, या इसको हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, या इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, इस डेटाबेस के इंस्टेंस, यार हम लोग क्या बोल सकते हैं करेंट सेट ऑफ अकरेंसेस, करेंट सेट ऑफ अकरेंसेस, अगर हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रुक के और ये देख रहे हैं कि डेटाबेस की क्या स्टेट है, इस सिचुएशन में हमारे पास ये 3 डेटा रखे हुए हैं, इनकी ये डिटेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस स्टेट या स्नैपशॉट, जैसे
फोटो खींच लिया, स्नैपशॉट का मतलब है कि सपोज करो कि ये इमेज के फॉर्म में तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। उसी तरीके से इंस्टेंस का भी यही मीनिंग है, करेंट सेट ऑफ अकरेंसेस इनका ये सब मीनिंग है। ठीक है, तो डेटाबेस स्नैपशॉट या अकरेंस या करेंट सेट ऑफ अकरेंसेस या इंस्टेंसेस, इसका क्या मीनिंग हुआ? द डेटा इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, द डेटा इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम इज कॉल्ड द डेटाबेस स्टेट और स्नैपशॉट। ठीक है, अब जैसे इस स्कीमा में तो हमने एक ही ये लिया है, एक ही टेबल ली है, मान लो जैसे सपोज करो इस टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट। अभी हमने एक इस स्कीमा में हमारे एक ही टेबल है, बट जैसे अगर जो स्टूडेंट अपना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वाला जो डेटाबेस है याद करो, जिसमें हमने 5 टेबल्स रखी थी, तो उसमें हर टेबल का अलग अलग स्टेट होगा। जैसे किसी टेबल में किसी टाइम पे 20 एंट्री होगी, किसी में 5 होगी, किसी में 25 होगी, किसी में 15 होगी, इस तरीके से हर, तो यानी कि किसी स्कीमा में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना करेंट सेट ऑफ इंस्टेंस होता है। ईच स्कीमा कंस्ट्रक्ट हैज इट्स ओन करेंट सेट ऑफ इंस्टेंसेस, हैज इट्स ओन करेंट सेट ऑफ इंस्टेंसेस। जैसे हमने एक का यहां पे दिखाया, ऐसे सबका होगा। ठीक है, अब जब हम जैसे ही ये तो हमने यहां पे बना के इतना छोड़ दिया, जैसे ही जो हमने डेटाबेस यूजर को हमने क्या क्या फैसिलिटी दिया है, डेटा में वो डिलीट कर सकता है, अब जो मॉडिफिकेशंस की हमने फैसिलिटी दी है, यानी कि इस डेटा से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट हो सकता है, इंसर्ट हो सकती है नई वैल्यू, अपडेट हो सकता है कोई, जैसे किसी का ब्रांच पहले सीएस था, फिर ब्रांच में जाके उसने आईटी चेंज करवा लिया तो उसको बोलते हैं अपडेट करना, या इस तरीके कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन जब होते हैं किसी डेटाबेस पे, तो वो डेटाबेस अपनी स्टेट चेंज करता है फ्रॉम वन स्टेट। ऐसे ये सब ऑपरेशन जब डेटाबेस में परफॉर्म होते हैं, तो डेटाबेस है जो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए जब हम देख रहे थे, तो ये 3 एंट्रीज थी, इसमें चलो हमने जैसे मान लो हम एक नई एंट्री कर दे रहे हैं किसी स्टूडेंट की, जैसे इसका नाम है सृष्टि और इसकी ब्रांच है सीएस और इसका जेंडर है फीमेल, ये हमने एक एंट्री कर दी। जैसे ही हमने एक ये एंट्री की, हमने इस डेटाबेस की स्टेट को चेंज कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन है इंसर्ट डिलीट अपडेट, इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस डेटाबेस की स्टेट को चेंज करते हैं। तो अब हमें इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप डेटाबेस की स्कीमा और डेटाबेस दोनों को अलग अलग करके कैसे देखते हो। तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब है वो स्ट्रक्चर जिसमें डेटा फील होना है, उसके डेटा टाइप्स और उसके कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें स्कीमा में आती हैं। डेटाबेस में एक्चुअल डेटा, जैसे अभी हमने ये रखा है ये 4 स्टूडेंट्स का डेटा, ये सारा आ रहा है जो ये डेटाबेस में आ रहा है एक्चुअल डेटाबेस में। तो जैसे जैसे वो चीजें हम फील करने लगते हैं, डेटाबेस की नई नई स्टेट्स मिलने लगती हैं। तो कौन कौन सी स्टेट होती है जरा हम ये देखते हैं। हाँ ठीक है, जैसे सबसे पहले जब स्कीमा केवल स्कीमा डिफाइन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्टेट। एक एक होती है एम्प्टी स्टेट, किसी डेटाबेस की एम्प्टी स्टेट, जब व्हेन ओनली स्कीमा इज डिफाइंड, कोई भी डेटा नहीं रखा गया है, ओनली ओनली स्कीमा इज डिफाइंड, नो एक्चुअल डेटा इज बीइंग प्लेस्ड येट, अभी तक कोई भी डेटा प्लेस नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जो हमने इतना बनाया था कि रोल नंबर नेम ब्रांच और जेंडर, केवल इतना है, अभी इसमें एक भी नहीं है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस की इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्टेट। तो कोई डेटाबेस एम्प्टी स्टेट में हो सकता है। जैसे ही तुम कुछ वैल्यूज को पहले लॉट की वैल्यूज एक साथ जितनी वैल्यूज तुम इंटर करना चाहते हो 2, 4, 5, 10,000, 2,005,000 पहले स्टेट में जितनी वैल्यूज तुम उसमें रख देते हो तो जो स्टेट मिलती है वो मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल स्टेट। जरा ध्यान रखना, अब इसके दिमाग के किसी कोने में आप बिठा लीजिए इसको, कि कई बार ये गलती हो जाती है। इनिशियल स्टेट पूछता है तो बोल देते हैं स्कीमा ओनली, स्कीमा ओनली इज एम्प्टी स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब है कि व्हेन फर्स्ट डेटा इज पॉपुलेटेड और लोडेड इन मेमोरी, व्हेन इनिशियल डेटा इज लोडेड और पॉपुलेटेड इन डेटाबेस। जब कोई डेटा मिला तो हम जैसे मान लो पहली जब तुम अगर शुरुआत में ही तुमने इन चार स्टूडेंट का एक साथ एंट्री कर दिया तो ये एम्प्टी स्टेट से इनिशियल स्टेट में मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के बाद एक हो सकता है करंट स्टेट। करंट स्टेट का क्या मतलब है? किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप रुक के और डेटाबेस का स्नैपशॉट ले लेते हो, जो उसी को बोलते हैं हम लोग करंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डेटाबेस का एग्जाम्पल लूं मैं, तो इसका मतलब है कि अभी इस टाइम पे ये जो टेबल यहां दिख रही है ये डेटाबेस के करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। करंट स्टेट को डेटाबेस के ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वैलिड स्टेट। वैलिड स्टेट क्या होता है जरा समझो। डेटाबेस जो है हमेशा डेटाबेस मस्ट ऑलवेज बी इन अ वैलिड स्टेट। आप समझो इसको होता क्या है वैलिड स्टेट। जैसे सपोज करो कि हम इस डेटाबेस की बात कर रहे हैं जो हमने बनाया है, इसको लेते हैं हम। इसमें हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है और कंस्ट्रेंट ये है कि किसी भी स्टूडेंट का जब तक रोल नंबर नहीं होगा, बिकॉज एक ही क्लास में दो विकास हो सकते हैं, दो आकांक्षा हो सकते हैं, दो सृष्टि हो सकते हैं, तो जब तक रोल नंबर की एंट्री नहीं होगी किसी स्टूडेंट का, हमारा कंस्टेंट ये है कि इस डेटाबेस में जब तक रोल नंबर एंटर नहीं होगा तब तक ये डेटाबेस वैलिड नहीं होगा या उस एंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो सारे कंस्ट्रेंट को वैलिड स्टेट का मतलब है कि डेटाबेस मस्ट फॉलो ऑल वैलिड ऑल सॉरी ऑल एप्लीकेबल कंस्टेंट्स। दैट इज कॉल्ड वैलिड स्टेट। जब सारे कंस्टेंट को फॉलो कर रहा है, तो जैसे कि यहां पे किसी भी स्टूडेंट की एंट्री आप उसका बिना रोल नंबर एंटर किए हुए नहीं करोगे, दिस इज कॉल्ड वैलिड स्टेट ऑफ अ डेटाबेस। हमेशा जो भी स्ट्रक्चर है और उसके कंस्टेंट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे नेम में हमने रखा है कैरेक्टर स्ट्रिंग 20 स्ट्रिंग का, तो उसमें आप नंबर नहीं इंसर्ट कर सकते हो। ब्रांच हमने रखा है 2 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का, तो उसमें आप नंबर नहीं रख दे। जेंडर में कुछ और नहीं, ए बी सी जेंडर या 0, 1, 2 जेंडर नहीं रख सकते। तो ये सब कंस्टेंट होते हैं। इन कंस्टेंट को अगर फॉलो कर रहा है हर समय डेटाबेस या जब तक, तो तब तक हम लोग बोलते हैं कि डेटाबेस इज इन अ वैलिड स्टेट। अब जो एक्चुअल डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा कैटलॉग में होता है। जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन इज इन कैटलॉग ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस जो कैटलॉग है उसमें डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन हमारा ऐड होता है। तो जब भी हमको कोई चीज देखनी होती है कि कोई पर्टिकुलर कंस्टेंट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है,
तो हर बार डेटाबेस जो है वो डीबीएमएस से इंटरेक्ट करता है, जहां पे उसकी डिस्क्रिप्शन जहां पे उसका रखा हुआ है वहां पे जाता है, उससे कंसल्ट करता है और मैच करता है सारी चीजें कि हाँ ये चीजें मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर मैच हो रही है तो ठीक है वैलिड स्टेट में है, अदरवाइज इनवैलिड स्टेट में है। तो जो ये डिस्क्रिप्शन है ये डेटाबेस में डीबीएमएस में हमेशा रखा रहता है कैटलॉग में, इसलिए डिस्क्रिप्शन को या स्कीमा को हम लोग इंटेंशन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन और स्कीमा इज कॉल्ड इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है या इसको, और किसी डेटाबेस स्टेट को, इस डिस्क्रिप्शन का ही एक्सटेंशन होता है वो। डेटाबेस स्टेट जो है, जो अभी हमने स्टेट्स बताई, डेटाबेस स्टेट जो है, स्टेट इज कॉल्ड इस इंटेंशन का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन या स्कीमा को हम लोग बोलते हैं इंटेंशन, और उस स्कीमा के डेटाबेस को, सॉरी, उस स्कीमा के डेटाबेस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा। जब हम कोई स्टेट चेंज करते हैं तो मतलब कि स्कीमा का एक्सटेंशन हुआ, उसमें 10 वैल्यूज थी, उसमें हमने और वैल्यूज बढ़ा दी, अगर कुछ घटा दिया तो उसमें हुआ। अब जैसे ये तो बात हो गई, चलो हम ये बोल रहे हैं, जैसा स्टेटमेंट बार बार हम ये लिखते हैं, जब से स्कीमा पढ़ा रहे हैं तब से हम 5-6 बार कम से कम बता चुके हैं कि स्कीमा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। हमने लिखा है स्कीमा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक। ऐसा है, बट ऐसा हमेशा, अगर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली ये तो ठीक है, बट अगर स्कीमा कभी ना चेंज हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी प्रॉब्लम। और ये हमने डेटाबेस जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे देखा भी था कि डेटाबेस अप्रोच यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है, और मॉडिफिकेशन अगर चाहिए कोई तो हम लोग रिलेटेड मॉडिफिकेशन कर सकें, किसी फील्ड का एडिशन कर सकें, किसी फील्ड का डिलीशन कर सकें। तो ऐसा भी नहीं है कि स्कीमा कभी चेंज नहीं होगा, रोज रोज चेंज नहीं होगा या फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा, बट स्कीमा में चेंज। और जब स्कीमा चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा इवोल्यूशन, स्कीमा इवोल्यूशन, उसको बोलते हैं स्कीमा इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अब यही फिर से वापिस जरा हम ये जो डेटाबेस हमने आज बताया है इसमें हम लौट के आते हैं। जैसे मान लो तुमने ये सारे बच्चों का डेटाबेस बना लिया, और जब बनाया उसके बाद हम सोचे कि अब सबसे हमारी जान पहचान हो गई, अच्छे संबंध स्थापित हो गए सबसे, तो हम सोच रहे हैं कि यार हम सब बच्चों को अगर उसके बर्थडे पे विश कर देते, जैसे जिस भी बच्चे का बर्थडे जिस दिन आ रहा है हम उसको विश कर देते तो कितना अच्छा होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इसके लिए हमें एक होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ की फील्ड, अगर होती है ऐसे कैसे हमको पता चलेगा किसका बर्थडे क्या है। तो इसमें अगर एक डेट ऑफ बर्थ की फील्ड अगर होती तो बहुत अच्छा होता। तो इसके लिए हमको स्कीमा में चेंजेस करने पड़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कॉलम नेम में ऐड करना पड़ेगा कि एक डेट ऑफ बर्थ की कॉलम ऐड करो, इसका टाइप देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो टाइप तुम दे रहे हो डेट ऑफ बर्थ का DD MM YYY, जैसे सपोज करो ऐसे दे रहे हो, तब हम ये चेंज करेंगे स्कीमा में यहाँ पे, और हर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर लेंगे हम साथ साथ। पहले स्कीमा में जाके चेंज किया, इस फील्ड को ऐड किया, फिर हमने इसका फॉर्मेट सेट किया यानी इसके डेटा टाइप को सेट किया। उसके बाद हर बच्चे को, जैसे मान लो इसका है 10 10, और ये मान लो थोड़ा सीनियर है, मान लो कोई अभिषेक है, ये जो सीनियर है, तो इसका मैं मान लेता हूँ 10 10 1995। ये आकांक्षा, इसका बर्थडे मान लो मैं मान लेता हूँ कि 2 सितंबर 1999। ठीक है, ये विकास है, इसका मान लो मैं मान लेता हूं कि 3 जनवरी, और
2001, और इसका अब अगर मान लो, जैसे मान लो मैं बर्थडे की, मान लो 5 फरवरी 2002, अब ये अगर किसी का नाम और बर्थडे और जेंडर ये मैच होता है तो दिस विल बी ओनली अ कोइंसिडेंस। मैं डिस्क्लेमर चला दे रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा नाम और बर्थडे और मेरा आपने डिटेल्स यहाँ पे वो कर दिया, तो ओनली दिस इज ओनली अ कोइंसिडेंस, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। तो जब भी आप कभी स्कीमा को चेंज करते हो तो ये स्कीमा इवोल्यूशन कहलाता। स्कीमा इवोल्यूशन द फैसिलिटी, क्या इसकी हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे, द फैसिलिटी स्कीमा इवोल्यूशन का, द फैसिलिटी टू चेंज इन स्कीमा, टू चेंज इन स्कीमा व्हाइल द डेटाबेस, स्कीमा व्हाइल द डेटाबेस इज ऑपरेशनल, इज ऑपरेशनल इज नोन एज स्कीमा इवोल्यूशन, इज नोन एज स्कीमा इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पे बड़ा ध्यान देने वाला है, जब मैं लिख रहा हूं इसकी डिफिनेशन जहां मैंने लिखी है, तो जरा यहां पे व्हाइल द डेटाबेस इज ऑपरेशनल, ये चीज जरा नोटिस करने वाली है कि स्कीमा इवोल्यूशन का मतलब तभी है जब डेटाबेस ऑपरेशनल हो गए। जैसे आपने सब कुछ करो, एक स्कीमा बनाई और अभी डेटाबेस लॉन्च नहीं हुआ है, आपके डेटाबेस में वैल्यूज फिल नहीं हुई है, तब स्कीमा को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कीमा को तब चेंज कर लेना बड़ी बात है जब डेटाबेस ऑपरेशनल हो गया है। तो इसीलिए ये स्कीमा इवोल्यूशन हम लोग अलग से इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस हमारा ऑलरेडी लॉन्च था जब हमने ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फील्ड ऐड की। देखिए ध्यान से, जब हमने यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ फील्ड ऐड की तो हमारा ये डेटाबेस ऑलरेडी ऑपरेशनल था, ये 4 एंट्रीज थी, 4 लोगों की डिटेल्स थी हमारे पास कुछ फील्ड्स का, तब हम इसको चेंज करने चल रहे थे, तब इसका स्कीमा इवोल्यूशन का तब देन मीनिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई आपकी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। उसके पहले जरा हम पीछे का कुछ देखते हैं। सबसे पहले जरा हम जो भी डेटाबेस अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दिन बताया था हमने, उसमें से कुछ आप लोगों को याद भी होगा, उसमें से मैं जरा कुछ लिखने में यहां पे इंटरेस्टेड हूं। जैसे सपोज करिए अगला जो भी टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है। एक हमने ये लिखा था कि यूज ऑफ अ कैटेलॉग टू स्टोर द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन या स्कीमा, जो कैटेलॉग होता है वो डेटाबेस स्कीमा को स्टोर करता है। एक हमने देखा था इंसुलेशन एंड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा, ये डेटाबेस अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और एक है सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर व्यूज, हैं तो बहुत सारी लेकिन अभी मैं इन तीन में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि हमारा आने वाला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ये सब पूरा जो डेटाबेस है, ये सारी चीजें स्कीमा और आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली तीन कंसर्न है, उन तीन कंसर्न पे बेस्ड है। सबसे पहला जो कंसर्न है वो ये है कि डेटाबेस को स्टोर किया जाए, फिजिकल स्टोरेज। एक हमारा कंसर्न है फिजिकल स्टोरेज, हम डेटाबेस को कहीं ना कहीं मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे किसी न किसी फॉर्म में रखते होंगे, ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल स्टोरेज में। जो डेटाबेस रखा गया है
उस डेटाबेस की कुछ ना कुछ रखने के लिए डिजाइन हुई होगी, बहुत सारी चीजें उसमें डिजाइन में आई होंगी, तो उस डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन या डिजाइन बोल लो, इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन, इसमें क्या रहे होंगे, इसमें वो मल्टीपल लाइंस के या मल्टीपल मॉड्यूल्स के कोड होंगे जो इस डेटाबेस को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि यहां पे हम लोग मेमोरी में वैल्यू जिसकी हेल्प से रख सकें। और तीसरा है कि अगर आपने डेटाबेस रखा है इंप्लीमेंट करके, तो उसका कोई ना कोई यूजर होगा, एंड यूजर, और वो किसी ना किसी तरीके से एन नंबर ऑफ एंड यूजर्स होंगे, तो वो एन नंबर्स ऑफ वे में उस डेटाबेस को यूज कर रहे होंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं डेटाबेस को लेके, और इसी पे बहुत सारी चीजें हमारी बेस्ड हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। अब ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्यों नाम रखा है, अगर यहां से देखो तो समझ में आएगा। आप देखिए यहां पे हमने क्या बताया कि तीन मेन कंसर्न है, डेटा कैसे फिजिकली स्टोर किया जाए, डेटा कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन डेटाबेस का कैसे हो, और जो डेटाबेस बन के स्टोर है उसको मल्टीपल एन यूजर्स कैसे अपने एन टाइप से यूज करें, एन नंबर ऑफ वेज में अपने या एन नंबर ऑफ अपने एप्लीकेशंस को फुलफिल करने के लिए उस डेटाबेस को यूज करता है। तो इन तीन पे, और ये जो जो भी पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये पूरा आर्किटेक्चर है जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, ये इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेगा जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो और इसकी कुछ थ्योरेटिकल चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में, जैसे कभी अगर मान लो कहीं पूछ लिया ऐसे कि ANSI, अमेरिकन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये ऐसा ANSI डेटा मॉडल क्या है या ANSI आर्किटेक्चर क्या है डेटाबेस का, अगर ऐसा पूछ ले तो आपको यही वाली चीजें बतानी है। ANSI मॉडल भी इसको हम लोग बोलते हैं, या ANSI आर्किटेक्चर, या एक और कॉमन नेम है इसका स्पार्क, स्पार्क SPA, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स कमिटी, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमिटी स्पार्क। तो ये दोनों नाम भी हैं इसके, दो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं इसके, तो ये ऐसे हो गया। अब ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं स्कीमा आर्किटेक्चर, स्कीमा आर्किटेक्चर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो यूजर एप्लीकेशंस, जो यूजर एप्लीकेशंस एंड फिजिकल डेटाबेस, इनका जो व्यू है ये हमेशा सेपरेट रहे, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, या एक दूसरे ऐसे इंडिपेंडेंट रहे कि एक में चेंज हो तो दूसरे में बहुत ज्यादा चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये यूजर एप्लीकेशन और जो फिजिकल डेटाबेस है इसका हम सेपरेट रखना चाह रहे हैं इन दोनों को, मल्टीपल रीजन से वो क्यों रखना चाह रहे हैं ये हम लोग अब देखते हैं आगे इसमें। तो जैसे हम सबसे पहले इंटरेस्टेड हैं इसका स्कीमा डायग्राम बनाने में, अब अगर इसको फ्रेश डे चालू किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से।